मेरी इज्जत लूट ली राजन, अब मैं कहीं मुंह दिखाने काबिल नहीं रही। मंजुल ने? हाँ राजन, अब मैं तो कहीं की नहीं रही, मैं तो बर्बाद हो गई। घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मंजुल को मैं अभी बुलाता हूं। अगर उसको मैं मार करके इस महल से ना निकाल दिया तो मेरा नाम नहीं रतन सिंह। घबराओ नहीं, अपने कपड़े ठीक से पहनो। ये मजार दरबारी, जाओ देखो मंजुल कहां है और उसे भेज देना। क्या बात है पिताजी? मंजुल, तू इतना कमीना हो गया, तू इतना गद्दार हो गया, आज तूने क्या किया है? मैं कभी इतनी बड़ी उम्मीद नहीं तुझसे मैंने किया था। पिताजी, मेरी बात तो सुनो पिताजी, ना तो मैं गद्दार हूं और ना इतना बुरा तुम्हारा बेटा है जो कि कोई गलत काम करेगा। नालायक, तू फिर भी कहता है गद्दार नहीं है। मंजुल, हाथ को जोड़ करे पैर पे दबे गिरो, हाथ को जोड़ करे। हाथ को जोड़ कर पैर मार के गिरो, मांगो माफी।
के रहे की माँ है, इसके पैर छू। पिताजी आप नहीं जानते हो, इसे मैं मां समझता रहा और ये मां है मेरी, लेकिन इसने तो ऐसा पाप अपने मन में सोचा है पिताजी कि मुझे शर्म आती है आपसे बताने में। तो पैर छूने में है शर्म आती मुझे। ग्राम नथुआपुर के निवासी हैं। इस सीन पे 15 रुपया इनाम आ रहा है पल्डी की तरफ से, शुक्रिया। अरे नाथ पहने भी दो, बस करो अब ना मारो इसे। क्या बे नारायक औलाद, एक माँ की ममता और आत्मा को देखा, इतना करने के बावजूद माँ कह रही है कि रहने दो। अरे बच्चा है, मना लेंगे समझ जाएगा। अब जो हुआ ऐसी जिंदगी से तो मर रही ही बेहतर है, क्या करूं मेरे भगवान। जब तक तू पैरों पे गिर के अपने की हुई गलती की माफी नहीं मांगेगा, तब तक मैं तेरे बदन की खाल छीलूंगा। आज आप मुझे मां के पैरों पर झुकाने के लिए हंटरों की बरसात कर रहे हैं। ये आपका बेटा कभी मां के बिना पैर छुए हुए कहीं जाता नहीं था पिता से, लेकिन कम से कम अपने बेटे की भी आत्मा को पहचानो और उसके आंसू की सच्चाई को देखो। मैं सच कहता हूं पिताजी, ये मां नहीं हो सकती है पिताजी। मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाओ, निकल जाओ। मैंने भी देखा स्वामी, जाओ तुम अपने कमरे में जाओ।
नहीं राजन, वो तो सिर्फ मेरा कपड़ा ही खोला था, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है। कपड़ा ही खोला था? हाँ राजन। और तुमने क्या कहा था? कहने और करने में कुछ फर्क ही नहीं होता, कहना कम और समझना ज्यादा होता है। अरे राजन जरा आप सोचिए, जब इतने में कपड़ा खोल सकता है, आप अगर जो आवाज ना देते तो उतने में तो न जाने क्या कर बैठता। चलो ठीक है, ठीक है राजन, चलो राजन पहले। लेकिन मैंने भी गुस्से में उसे निकाल दिया है, लेकिन उससे फिर मिलकर के उसको मना लेना। ठीक है राजन। अरे वो बच्चा है, वो समझ जाएगा, आप परेशान मत होइए, मैं उसे मना लूंगी। चलता हूँ। ठीक। ये कौन सी चाल चलता है रे? वही बाबू जो रहीमगंज में चलत रहे, ये पैदाइशी आदत है कि जो नई नई चाल अभी चला। बाबू कौन है बे? अबे कौन है? आवाज आ रही। सेखू कटारा नाम है रे हमरा, कटारा, और अपने दिलो दिमाग में उतार ले ए कटारा। कटारा पहले सिगरेट पिलाया, पिलाया पिलाएगा तो सही यार, तेरे पास है नहीं क्या? अरे यार होता तो पीता ना, जब एक कपड़ा हम बता कितने 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 साल हो गए एक ही कपड़ा पहना हूं, है? रख लूं क्या? कोई बात नहीं मामा, कबा कबा कपड़ा बड़ा धो जा रहा है इन दोनों को, लेट भी मिल। वही कहावत है ना, क्या क्या है रे? अब एक काम कर कटारा, कि हमें 5,000 रुपए दे। और किस लिए? 5,000 दे तो सही। अरे पहले बता तो सही, अब हमें क्या फंसाना चाहता है तू? ओए ओए कटारा की कटारा, पानी ला, ओ माची माची ला, कटारा 5,000 रुपए दे। अरे किस लिए तू बताएगा तो कुछ? ओ यार पैसे देख, अबे सिखू जब तक तू मकसद नहीं बताएगा तब तक पैसे नहीं मिलेंगे। ओ कहीं लंबा हाथ मारा है क्या? कहां हाथ मार दिया? पूरे 9,00,000 का है। 9,00,000? 5,000 में दे रहा हूं। कहीं फंसाना तो नहीं चाहता बे? बेवकूफ मैं तुझे फंसाऊंगा, आज तक फंसाया हूं। बोल जल्दी काम है जरा। आज तक तुझे फंसाया हूं? ना 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 ना, 5,000 रुपए दे दे, असली है, असली असली है।
दे दे 5,000। कल गिनती मार ले, पूरे 5,000 है। 5,000 है, कम तो नहीं है? अरे एक पैसे भी कम नहीं है बे। फंस गया साला, ऐसे चक्रव्यूह में फंस गया कि इसकी नानी आधा ही जाए। क्या बोल रहा है? नहीं नहीं कुछ नहीं, कह रहा हूँ पूरे पैसे हैं, क्या गिनूं? यही यही मन में। अगर विश्वास है तो कोई बात नहीं है, और नहीं विश्वास है तो गिनती मार ले बे से खूब। पीना हो नहीं तो माल ले लो अपन लौटा। क्यों? अगर विश्वास ना हो तो भाई। हाँ वही तो, देख पीना हो तो कल सुबह आ जाना है। अरे पीना हो तो इतनी समय क्या समय है इस वक्त? सुबह के 5 बजे है, सुबह के 5 बजे है ना, इतनी समय कहाँ ठिकाएगा जी? ठिकवाने का समय होता है, है? सुबह आना तो मैं टाइम बताऊंगा है? अरे हम कटारा का साथ तुम दोनों को भी ठिकवा देंगे, और ऐसा ठिकवाएंगे बच्चा ना कि ठिकवाते ही रहोगे। ऐसे कोई बात नहीं। ये बता, ये 9 लाख का हार मुझे 5,000 में दे गया, हमें लगता है कहीं लंबा हाथ मारा है। देख लियो नहीं तो तुम हो माँ 9 लाख के लालच माँ। नहीं ये हकीकत में 9 लाख का हार है। हाँ तो 9 लाख है तो। आज से ये कटारा बहुत बड़ा आदमी हो गया है। आज से बड़ा आदमी हो गए वो है वह का पहनू लियो। कौन पहने गए? मैं इसे अपनी बहन को पिलाऊंगा। हाँ हमारे चलिए आए यार। अब यह कई बहनिया और जामी यार हमें या नहीं समझ में आ रही के बहन अब और लल्लन टाप लागी। लल्लन टाप नहीं, हमका लागा था कि ये सरो फंस गए। फंस गए वा मामा मामा जिसका है ना। हाँ। बड़ा बेईमान मने ये बाल लफूस है ते इतना चिल्ला पे उन्होंने कहे कहे से कि ठीक करवा दे, आप तुमका बिगड़वायु दे का करी हम पाइत में मौका नहीं सारे के ऊपर पैसा दी देवता जाए मार चलो चला जाए। चलो बुरा इसने कुछ कहते हो चलो यार कहते हो ये कहो कोनो करे झटका मारो। अरे ये बूढ़ा खसी चढ़ हुआ है जा। वह बूढ़ा कहाँ चढ़ हुआ दिए? ए बूढ़ा खसी चढ़ हुआ है जा। अब ना यही है भवानी में बहुत याद आ रही है, ना मालूम कहाँ है, कैसे है, कैसे नहीं है। होरी दाता ये किराम, होरी दाता ये किराम, भिखारी सारी दुनिया Bye.
क्या बात है, आज आप कितनी उदास हो और आपके चेहरे पे ऐसी गमगीन, आज मैं क्या देख रही हूँ? तुम सही देख रही हो, आज मैं उदास हूँ। मुनिया, मान लो तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। हाँ। अगर मेरी जिंदगी में कोई सैलाब आ जाए, कोई मुसीबत का सामना करना पड़े, तो तुम क्या करोगी मुनिया? हाँ, किसी बातें करते हो, मैं तो आपके लिए मैं अपनी जान भी देना चाहती हूँ। आप जहाँ पे भूखे रहेंगे, मैं भी वहाँ पे भूखी रहूंगी। मैं तो आपके लिए न जाने क्या कर बैठूंगी। सच कहती हो? हाँ। मुनिया हो, तो थोड़ी देर मेरा यही इंतजार करना, मैं भी आता हूँ। डरना नहीं, मैं आऊंगा, मेरा इंतजार करना। ठीक है। आप मुझे पल भर के लिए मत छोड़ा किया, मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। आप मुझे छोड़ के मत जाया करो। हाँ। अच्छा, जानती हो तुमसे हमारा जीवन बना है। अच्छा। हाँ, एक बात कहूँ? क्या है वो बात, बोलो। पूरी तुमसे बना मेरा जीवन, पूरी सुंदरी सपनी सयोना, और कभी मुझसे जुदा न होना, कभी मुझसे खफा न होना। तुमसे बना मेरा जीवन, सुंदर सपन समय हो गया और अभी तक हमारी बहन मुनिया नहीं, पता नहीं मालूम कहां चली गई। आने दो, तब उस समय बात करता हूं। भैया नमस्ते।
नमस्ते बेना। मुनिया क्या बात है भैया? मैं तुझसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कौन सी बात पूछना चाहती है? पूछिए। सुना हमारी बात को गौर से। कहिए भैया। और कहाँ गई थू तू बहन, दे बता तू अब बता और पढ़िया खाना देखिला तब बताऊ मैं तो। ये बता तू कहाँ गई थी? मैं तेरा कब से इंतजार कर रहा हूँ। भैया मैं तो गई थी चमन घूमने। क्या चमन घूम? हाँ भैया। देख आज तू अपने हाथों से अच्छा खाना बना और अपने भाई को खिला। क्यों नहीं भैया? देख तेरा भाई तेरे लिए 900,000 हार लेकर के आया। क्या भैया इतना महंगा हार आप कहाँ से लाए? अरे बेना मिल गया ऐसे ही, किसी को किसी प्रकार की कोई मजबूरी थी और वो ये 900,000 का हार 5,000 में देकर के चला गया। अच्छा ठीक है भैया, आप कहते हो तो लाऊं मैं पहन लेती हूँ। रख ले बेना इसको। ठीक है भैया मैं घर भी पहनूंगी। और चल खाना बना, बढ़िया बढ़िया खाना बना और मैं आकर के भोजन करता हूँ। ठीक है भैया मैं जा रही हूँ, आप जल्दी आइए। चल बेना। हमारी बहना चल करके खाना बना रही है और मैं चल करके भोजन करता हूँ, बहुत तेज भूख लगी। निकल गया, आने दो शेखू को, मैं शेखू से ही ये बात बताऊंगी। अरे अरे मेरा हार। अरे भैया भैया बोली। अरे आप ही तो मुझे दीदी बोलते हैं। मैंने कहा क्या? और क्या बताऊं सेखू? अरे जो पलान तुमने दिया था वो पलान डिसमिस हो गया। हाँ डिसमिस हो गया? हाँ सेखू। जीजा जी माने नहीं? अरे वो नहीं माने। तेरी हालत भी देखकर? बिल्कुल। वो क्या है कि मैंने ही कह दिया था। अरे कैसी औरत हो? अरे मैंने ही कह दिया था कि इसको मत मारो, बच्चा है समझ जाएगा।